हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो पिछले कुछ दिनों हमने जी बनाया सिजलर। अब हमने पनीर सिजलर यूं बनाया कि चिकन वाले सारे नाराज हो गए, बोले रणवीर सिजलर क्या मतलब, चिकन का कोई सिजलर नहीं होता क्या? तो ये नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं चिकन टिक्का सिजलर। मतलब एक साथ आपको चिकन टिक्के की रेसिपी मिल जाएगी, चिकन सिजलर की रेसिपी मिल जाएगी और साथ में हम फ्लेमिंग सिजलर बना देंगे। समझा? मतलब आम के आम और तस्वीरों के दाम नहीं, एक तीर और तीन गाने नहीं, वो गाना इसलिए बोल रहा हूँ, म्यूजिक आने वाला ना। चलो चलो शुरू करो। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी फ्लेमिंग चिकन टिक्का सिजलर, यानी कि एकदम ज्वालामुखी चिकन सिजलर, मतलब वट एवर वी कॉल इट इन हिंदी, बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन। नाम अच्छा है वैसे, ज्वालामुखी चिकन। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी चिकन फटता है, सॉरी ज्वालामुखी फटता है। चिकन को क्या करना है, 1/4 करना है। अभी ये चिकन थाई है, ये दिखा देता हूँ, पहले काट पीट लिया मैंने पहले ही। ये देखिए, ये चिकन थाई है, बोनलेस थाई ली है मैंने, ब्रेस्ट नहीं लिया है और लेग नहीं लिया है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा लिया है थाई, क्योंकि सबसे जूसी होता है और खास तौर अगर आप अंगार पे पकाते हैं तो सबसे लंबे समय तक जूसी रहता भी है। जितने आप छोटे टुकड़े करेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, अगर आप बहुत बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे तो बीच से कच्चा रह जाएगा। क्या है ना, मान लीजिए आपने इतना बड़ा लिया, उसको आपने सरिये पे लगाया, फिर दूसरा यूं लगाया, फिर तीसरा यूं लगाया, बाहर से तो एकदम अंगार जो है वो जला देगा और अंदर से रह जाएगा कच्चा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसीलिए छोटे 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 ऐसे, ठीक है जी, अब साइंस भी समझ में आ गई। चलो ये हो गया, देखिए ये इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, नॉट बिगर देन दिस, इससे बड़ा नहीं करना, ठीक है जी। ये देखिए, अब कोई परात ले लें या फिर अगर मेरे जैसे शो ऑफ करना है तो पेन से लाया हुआ अपना पाया पैन ले लें, अगर आपको चिढ़ाना है लोगों को कि देखो हमारे पास पाया पैन भी है, नहीं तो परात में भी कर सकते हैं, नहीं तो बोल में भी कर सकते हैं, बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर वो काला चकत्ते वाला हमारे पास पाया पैन नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। देखो जी, बेल पेपर, ठीक है, उर्फ शिमला मिर्च, और अगर पीली बेल पेपर नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास पीली नहीं है हम नहीं बनाएंगे, हरी वाली है, हरी वाली ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बीज टमाटर का आने दीजिए, जूसीनेस आती है उससे। एक तरफ चिकन, एक तरफ हमारी सब्जी, ठीक है जी, दोनों को मैरिनेट कर देते हैं। चिकन में अभी फर्स्ट मैरिनेशन होगा, सब्जी में एक ही बार में सारा मैरिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एक बार में स्यापा खत्म। मेरा प्रिय मित्र, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है जी सरसों का तेल, नमक, देगी मिर्च ठोक के, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी गॉड इज ग्रेट। जब तक हाथ नहीं लगेगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। या देखो, हाथ लगते ही रंग और रोगन जो है, रसोई को रसोई इसलिए कहते हैं क्योंकि उंगलियों में रस होता है और उस उंगली से जो हम रस डालते हैं फिर उंगली से खा के अब्सॉर्ब करते हैं रस, और उस रस के घर को रसवती या रसोई कहते हैं। सब्जियों की तो हमने कहानी खत्म कर दी, लेकिन चिकन की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी फर्स्ट मैरिनेशन बनाते हैं, फर्स्ट मैरिनेशन, ठीक है, और लेमन जूस। यहाँ पर मकसद क्या है, यहाँ पर प्रोटीन है चिकन, प्रोटीन डीनेचर होता है एसिड की प्रेजेंस में, और अदरक लहसुन की गर्मी और जो हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे उसकी गर्मी में चिकन नरम होगा, गलेगा, ये वाला पार्ट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट मैरिनेशन में चिकन को आधे घंटे छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि टेस्ट की लॉटरी लग गई। हिस्सा नंबर एक, हिस्सा नंबर दो चिकन टिक्के का, एक चीट और बता देता हूँ। फर्स्ट मैरिनेशन में आप चाहें तो बिल्कुल थोड़ा सा एग वाइट डाल सकते हैं, एग वाइट की गर्मी से भी चिकन जो है वो गलता है, ये हर एक को नहीं बताते हम, ये वाला सुपर सीक्रेट थी। अब करते हैं चटनी की तैयारी। अच्छा, एक मैं मसाला बना लेता हूँ टिक्के का, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लॉट्स ऑफ काली मिर्च, जब हम हैं तो धनिया तो दूर नहीं हो सकता, और सौंफ भी आएगी थोड़ी सी, सौंफ मैंने ऐसे डाल दी वैसे, चलो प्यार मोहब्बत में डाल दी, कम डालना आप मत डालना, नहीं डालनी भी तो, थोड़ी सी मेथी कड़वाहट के लिए, थोड़ी सी राई सरसों को बैलेंस करने के लिए, और 2-4 लौंग, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। खुशबू आ रही है भाई पूरे किचन में। चलो अब क्या मैरिनेशन, ये तो बड़ा सिंपल है, देखिए लो जी सरसों का तेल, ये टंगा हुआ दही उर्फ चक्का दही,
नमक, खुशबू वाला मसाला जो है वो रेडी है तंदूरी स्टाइल में, काली मिर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला मसाला डाला थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा कहाँ डालेंगे बाद में, उसके बाद देगी मिर्च ठोक के, और मिर्च देगी ठीक है, वरना ये बहुत ही बड़ा धोखा हो जाएगा। आप बोलेंगे रणवीर ने डाली ये 2 टेबलस्पून, आप भी डाल देंगे 2 टेबलस्पून, आपकी होगी रेगुलर मिर्च, हमारी है देगी मिर्च, फिर बढ़ जाएगा पटाखा। और अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो थोड़ा लेमन जूस, और अगर आपकी दही खट्टी है तो लेमन जूस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कसूरी मेथी ब्यूटीफुल, और ये जी मेरा प्रिय मित्र धनिया, अच्छे से धो लें और डंडियों का इस्तेमाल करें मैरिनेशन में, तो डंडियों का ही इस्तेमाल करें, पत्तों में कुछ नहीं रखा है, पत्ते गार्निश वार्निश में काम आ जाएंगे, जितना बारीक चॉप कर सकते हैं बारीक चॉप कर लें। ब्यूटीफुल मैरिनेशन रेडी। अब ये मैरिनेशन दिखने में जितना खूबसूरत है ये उतना ही दगाबाज है, दगाबाज इसलिए कि जो दही है ये फट जाएगी, जब आप इसको सेकेंगे तो दही अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा, चिकन अलग हो जाएगा, इसमें बाइंडिंग देनी बहुत ज़रूरी है। तो बाइंडिंग देने के लिए ये बेसन है मेरे पास, अब ये दगाबाज नहीं रहा, अब है सेकेंड मैरिनेशन की बारी। अगर तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रहा है ठीक है, तो चिकन का पानी निचोड़ लें, लेकिन अभी अगर चिकन ने पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने पहले चिकन को अच्छे से सुखा लिया था, ये बात तो मैंने बताई नहीं, चिकन की जो आपकी थाइज़ हैं उनको अच्छे से एक किचन टावल के ऊपर, पेपर टावल के ऊपर डैब कर लें, यानी कि उसका पानी अच्छे से सुखा लें। चिकन का पानी जो है वो मैरिनेशन को पतला करता है और डिश को ख़राब करता है। अभी क्या है ना, सब्जी के ऊपर मैंने दही वाला मैरिनेशन इसलिए लगाया बिकॉज दही जो है फिर सारी सब्जी के ऊपर लग के छुप जाती है, पता नहीं चलता सब्जी कहाँ ख़त्म हो रही, चिकन कहाँ शुरू हो रहा है। सरिया ले लें, ये मेरे पास ये सरिया है, सरिये के अंदर पहले सख्त वाली चीज़ डालें, यानी कि पहले प्याज डालें, प्याज जो है वो नीचे बेस बना लेगा। अब चिकन, फिर बस बीच में सब्जी, बीच में चिकन, बीच में सब्जी, बीच में चिकन का सिलसिला जारी रखें ठीक है। इसके बाद सरियों को छोड़ देंगे क्योंकि चटनी भी बनानी है। देखिए आप चाहें तो और देगी मिर्च डाल सकते हैं, और कुछ लोग रंग भी डालते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल एकदम वो मार्केट वाला चाहिए चिकन टिक्का लाल लाल, तो रंग वंग डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे ठीक है। इधर से भी जगह छोड़ी, उधर से भी जगह छोड़ी, ताकि चिकन टिक्का जो है पकड़ने की भी जगह रहे और घूमने की भी जगह रहे। और मेन चीज़ क्या है कि ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है इसको, वरना क्या होगा गर्मी अंदर तक जाएगी नहीं, चिकन टिक्का कच्चा रह जाएगा और आप हमें कहेंगे। और ये कुछ टिक्के जो है ये मैं 7 स्टिक पे लगा रहा हूं, इसलिए नहीं कि बच गए, इसलिए कि आपको ये दिखाना है कि अगर कोयला नहीं है तो भी ये डिश बन सकती है। ये लीजिए ऐसे 7 स्टिक पे बढ़िया से लगा लीजिए, देखिए, और मैरिनेशन वापस लपेट लीजिए। ये देखिए, जैसे समझ लीजिए कि आप बुन रहे हैं स्वेटर, घुमा घुमा के उसको फंसा लीजिए अंदर ताकि छूटे ना कड़ी में। ये देखिए सिंपल, ये देखिए लॉक हो गया। ये लो जी, ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिलीजुली सरकार जो पैन पे पका दी जाएगी। हाँ अभी चटनी की तैयारी कर लेना, मेयोनेज़, ये चटनी में मेयोनेज़ का शॉर्टकट भूलिएगा मत, बहुत कमाल का है। और पुदीना, पत्ते पत्ते हाँ डंडियाँ नहीं, पुदीना जो है वो काला कर देता है, तो इसलिए थोड़ा धनिया मिक्स करना ठीक रहता है। एक हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल, अब ये मिक्सी में पिस जाएगा, और पिसने के बाद फिर जितनी चटनी होगी उसकी आधी दही मिला लेंगे। सिंपल ईजी, नो रॉकेट साइंस। ये हमारा मिंट मेयोनेज़, अब इसके अंदर थोड़ा दही, और इस चटनी के अंदर अपना सीक्रेट मसाला, ये किसी को नहीं बताना ठीक है। नाइस, अब ये देख लीजिए, ये कोयला जो है, कभी भी कोयले पे खाना बनाए कोयला ऐसा होना चाहिए, लाल कोयले पे खाना बनता है, आग जिसमें हो उस कोयले पे खाना कभी नहीं बनता, खासतौर कबाब आप कभी नहीं सीखता, एक्चुअली ग्रेवी भी नहीं बनती, क्योंकि इसकी आंच जो है वो मध्यम है, कंट्रोल में रहती है, बराबर से पकाएगी। वो लपटों वाले कोयले पे कभी भी बारबेक्यूइंग या तंदूर का काम या कबाब का काम नहीं होता, वो क्या ऊपर से काला कर देगा अंदर से कच्चा रह जाएगा मामला, यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे अंदर तक पकेगा वो। अपना जी पैन भी रेडी है, पैन वाला डाल देते हैं ताकि आपके पास ये बहाना भी ना रहे कि रणवीर ये नहीं बताया। ये जो बिल्कुल ही मेरे जैसे आलसी हैं जो बोलते हैं कि सरिये पे भी नहीं चढ़ाना, अब बताओ
उनके लिए। अगर आपको बेस्टिंग करनी है, मतलब अगर आपको घी लगाना है, पहले उसको उतारें घी ऐसे, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे हल्का सा घी लगाएं। ये काम आग के ऊपर अगर करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा, ये पूरा काला धुआं जो है वो कबाब को लग जाएगा, कबाब हो जाएगा काला, टेस्ट हो जाएगा ख़राब। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था कि बेस्टिंग करनी है, हल्का सा घी से ब्रश करना है या मेल्टेड बटर से ब्रश करना है, लेकिन हटा के। पटाखा है ये, पटाखा, परफेक्ट बैलेंस। कभी कभी खुद को ही खुश कर देता हूं मैं अपने काम से। ये लीजिए, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से पकी हुई चीज जो है ना, वो खुशबू से और देख के पता चल जाता है। क्या फर्स्ट क्लास है, देखिए रंगो रोगन, देखिए चमक, देखिए। दूसरी तरफ एक लेडल में रख देता हूँ गर्म होने के लिए। ये बन गया जी हमारा मसाला प्याज। नाइस। तो ये तो हो गया सिजलर, जो सिजल करता हुआ दूर तक जाएगा और फिर जो है आपके टेबल पे ऑर्डर आएगा, है? अब ज्वालामुखी बनाना है ना, तो ज्वालामुखी का जुगाड़ भी देख लीजिए। देखो जी नाइस एंड जूसी कबाब है। अरे पास आइए, पास आइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पास आइए। ये देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक तो ये कि अंगार जो है वो अंगार होना चाहिए, आग नहीं होनी चाहिए, आग पे नहीं सिकता, अंगार पे सिकता है अच्छा कबाब, अच्छा टिक्का, अच्छी बोटी। दूसरी चीज़ जो मसाला है उसको लास्ट में स्प्रिंकल करना ना भूलें। तीसरी चीज़ सिंगड़ी से हटा के उसको रेस्ट ज़रूर दें कम से कम 3 मिनट, ताकि जूसीनेस जो है वो बरकरार रहे और अपनी गर्मी में कबाब पके। चौथी चीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाँचवीं चीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। छठी चीज मोहब्बत बनाए रखिए। सातवीं चीज शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपका फ्लेमिंग कबाब तैयार है। बस करना क्या है, वो लड्डू वाला कपूर मांगना है, ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। देखिए ये भी बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर अगर हमारे पास ब्रांडी और रम नहीं है तो हम क्या करें, फ्लेमिंग कबाब नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ये लीजिए फ्लेमिंग कबाब। दुकान बंद हो गई थी, मैं वापस आया, मैंने कहा ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर पूरी बात नहीं बताई तो। एडिबल कैम्फर, खाने वाला कपूर, ठीक।